प्रदेश के रायबरेली जिले में 1 फरवरी को हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज स्थित ढाबे के पीछे बाग में बीएससी की छात्रा को जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या में शामिल एक युवती समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अभियुक्त अभी पुलिस की पकड़ से दूर बताया जा रहा है। पुलिस के गिरफ्तार में खड़े इन आरोपियों को गौर से देखिए, इनका नाम अतुल गुप्ता, ललित गुप्ता व मृतक छात्रा की सहेली बताया जा रहा है कि मृतका का आरोपी अतुल से प्रेम प्रसंग था। इसी बीच आरोपी की शादी दूसरी जगह तय हो गई और 25 फरवरी को उसकी शादी भी थी, पर मृतका ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया तो बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने छात्रा की सहेली व अपने 2 साथियों की मदद से कॉलेज के पास से उसे अपनी कार में बिठवाया। इसके बाद आरोपी ने अपनी साथी धीरू के साथ पहले छात्रा को नशीला पदार्थ सुंघाया, फिर बेहोशी की हालत में उसके हाथ पैर व मुंह को रस्सी से बांध दिया। यही नहीं, बाग के पास आरोपियों ने मृतका को उतारा और उसे जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गई। पुलिस के लिए यह ब्लाइंड हत्या का खुलासा इसलिए अहम हो गया क्योंकि इस मामले में तूल इस कदर पकड़ा कि खुद घटनास्थल का जायजा लेने आईजी जोन लखनऊ एसके भगत को भी रायबरेली आना पड़ा। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए मृतका की सहेली समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी धीरू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतका का मुख्य आरोपी से प्रेम प्रसंग था और मुख्य आरोपी की शादी दूसरी जगह तय हो गई थी, जिसकी वजह से मृतका शादी का दबाव बनाने लगी थी, जिसको लेकर आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।